हेलो स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल. वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास. आई एम योर कंप्यूटर टीचर. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. इन द लास्ट क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस एबकस, नेपियर बोन्स एंड ऑन स्क्रीन इमेजेस फ्रॉम योर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक्स. इन टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट स्लाइड रूल, स्लिप स्टिक. दिस इमेज इज द स्लाइड रूल. इन 1622 विलियम ऑट्रेड इन्वेंटेड द फर्स्ट स्लाइड रूल. स्लाइड रूल को सबसे पहले 1622 में विलियम ऑट्रेड ने बनाया था. द स्लाइड रूल इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑन लॉगरिथम्स बाय जॉन नेपियर. जॉन नेपियर ने जो डिवाइस बनाया था उसके ही बेस पर स्लाइड रूल वर्क करता था, लेकिन लॉगरिथम के बेस. लॉगरिथम एक टेबल होता है जिसका यूज करके हम कैलकुलेशन निकालते हैं. इट इज यूज मेनली फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड ऑल्सो फॉर साइंटिफिक फंक्शन सच एज रूट्स, लॉगरिथम्स, ट्रिग्नोमेट्री, बट नॉट फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन. इस डिवाइस का यूज हम मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, इवन के साइंटिफिक जो फंक्शन होते हैं जैसे रूट्स, लॉगरिथम या ट्रिग्नोमेट्रीज के जो हम सॉल्व करते हैं उनके लिए करते थे, लेकिन हम सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए इस रूल का यूज नहीं करते हैं. Engineers and scientists through the 19th and early 20th century took the help of this device to do calculation. 19th and 20th century के जो इंजीनियर होते थे, साइंटिस्ट होते थे, वो इस डिवाइस का यूज करते थे कैलकुलेशन के लिए. जैसा कि प्रीवियस पॉइंट में मैंने बताया, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री, रूट्स और लॉगरिथम्स का यूज करके हम कैलकुलेशन फाइंड आउट करते थे, तो साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए डिवाइस काफी ही यूजफुल था फॉर कैलकुलेटिंग. The use of slide rule continued until the about 1974, after which electronic calculator become more popular. 1974 से पहले इस डिवाइस का बहुत यूज किया जाता था, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के आ जाने से इस डिवाइस का यूज कम होने लगा. अगर फोर्थ इज कंप्यूटिंग डिवाइसेस, बेलियस पास्कल कैलकुलेटर, जिसे हम पास्कलाइन भी कहते हैं. एज यू शोन इन द पिक्चर्स, देयर आर सम व्हील्स and the boxes. दो वेलियस पास्कल 1623 to 1662, ये इनका फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट इन्वेंटेड पास्कलाइन. वेलियस पास्कल ने, जो कि एक फ्रेंच के फिलोसोफर, मैथमेटिशियंस और फिजिक्स थे, उन्होंने ये डिवाइस निकाला था, इसीलिए इस डिवाइस का नाम पास्कलाइन है. पास्कलाइन इज कैलकुलेटर, इज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन अर्ली 17th century का ये फर्स्ट मैकेनिकल, मतलब जिसको हम ऑपरेट करके कैलकुलेट करते थे, इस डिवाइस था, कैलकुलेटर था. इट वॉज यूज गियर्स एंड अदर मैकेनिकल डिवाइस टू कैरी आउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स डायरेक्टली एंड टू परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन थ्रू रिपीटेड एडिशन और सब्सट्रैक्शन. इस डिवाइस में गियर्स, जो कि व्हील्स आप देख रहे हैं, इसका यूज करते थे, और इसका यूज करके हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को बार बार रिवाइज करके, मतलब रिपीट इस एक्शन को करके, गियर्स को मूव करके, व्हील्स को मूव करके, हम डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के सम्स भी इससे सॉल्व कर लेते थे. द कंटिन्यू रिपीटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो. Fifth is Charles Babbage difference engine. Charles Babbage difference engine. The image is difference engine. चार्ल्स बेबेज वॉज ब्रिटिश मैथमेटिशियन, मैकेनिकल इंजीनियर एंड इन्वेंटर. चार्ल्स बेबेज एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन, मैकेनिकल इंजीनियर और इन्वेंटर थे. इन 1834 ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विजुलाइज अ कॉन्सेप्ट दैट आर यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर. 1834 में यही एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने विजुलाइज किया था, सोचा था कि एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के साइकिल में काम कर सके, जो कि आज मॉडर्न कंप्यूटर का इसी प्रोसेस पे वर्क करता है. तो ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये इन्होंने ही सोचा था कि एक डिवाइस ऐसा होना चाहिए जो आईपीओ साइकिल के फॉर्म में वर्क करे. ही बिल्ट ए मशीन कॉल डिफरेंस इंजन, मैथमेटिकल टेबल्स. इट वॉज फर्स्ट ऑटोमेटिक, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर. उन्होंने फर्स्ट डिफरेंस इंजन, मैथमेटिकल टेबल्स बनाया था, और ये ऑटोमेटिक, पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था. पास्कल को तो मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था, लेकिन जो डिफरेंस इंजन था, ये फर्स्ट ऑटोमेटिकल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिससे कि हम कैलकुलेशन करते थे.
चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल एंजल्स. दिस इमेज इज एनालिटिकल इमेज. ही डिजाइन द वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर कॉल्ड द एनालिटिकल विच हैड फोर पार्ट एन इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइस. इन्होंने ही आगे जाकर वर्ल्ड का पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर बनाया जिसे वो एनालिटिकल कहते थे. इसमें फोर पार्ट होते थे जैसे इनपुट प्रोसेस स्टोरेज एंड आउटपुट जो की आज हमारे मॉडर्न कंप्यूटर में है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस एंड स्टोरेज. The logical structure of the analytical engine was essential, the same as that which has dominated computer design in the electronic era. Logical structure, जैसे computer में कई बार comparison की condition आ जाती है कि less than, greater than, equal to, not equal to, तो इसे हम logical कहते हैं. तो इस logical structure को भी visualize मतलब analytical engines में Charles Babbage ने डाला था जो कि आज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एरा में भी बहुत ही काम का है. आज भी हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं लॉजिकल डिसीजन तो इसका इसकी जरूरत हमें बहुत पड़ती है. तो ये एनालिटिकल इंजन में लॉजिकल स्ट्रक्चर भी था. तो आई थिंक क्लास दिस द सम मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस पॉइंट्स आर क्लियर्ड. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. अंटिल देन, bye and take care.